वेलकम फ्रेंड्स, TLD क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा ही कि हमारे चैनल पे MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यूनिट नंबर 10 चल रही है, ठीक, जिसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप देख लें, ठीक है। उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो भी वीडियो आप देख लें, ठीक। ये लेक्चर नंबर 4 है और साथ ही यहाँ पे MPPSC, UPSC तथा अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराई जाती हैं, जैसे SSC हो गया अपना, अदर स्टेट PSC हो गए हैं, ठीक, रेलवे हो गया है ना, पैब की कुछ वैकेंसी निकलती हैं उसमें, है ना, जो भी है तो आप देख लें, है ना। कुछ दिनों बाद हम दिल्ली कांस्टेबल का भी बैच स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग चाहें तो, ठीक। चलिए, हाँ, आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। हम इससे पहले और भी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आयोग से रिलेटेड थे, ठीक है। चलिए देख लें इसका क्या है, पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लें, ठीक है, फिर उसके कुछ तथ्य देख लेंगे, कुछ आर्टिकल्स देख लेंगे, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या व्याख्यान है इनका, ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपन बात कर लेंगे, कुछ तथ्य देख लेंगे और साथ ही कुछ समितियां हैं उनके बारे में भी अपन देख लेंगे। तो ऐसे करके अपन एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए, आज ही हमारे इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, जो कि TLD क्लासेस के एक सर हैं, उन्होंने योजना उस पर, अभी कौन सी योजना आई है, अग्निपथ योजना के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाई है, तो उसको भी देख लें अपन, है ना, क्योंकि वो अच्छी वीडियो है, उसमें उसके फ़ायदे और अदर कंट्रीज से, मतलब अदर जो देश हैं उनसे भी कंपैरिजन करके उसमें बताया गया है कि हाँ, ऐसी जैसे अग्निपथ में जो स्कीम आई है 4 साल का वो है, तो उसमें ऐसा और कई देशों में ऐसी योजनाएं चल रही हैं, ठीक ना, ठीक। अगर अपन इतिहास देखेंगे तो इतिहास में भी बिंबसार से पहले जो भी चलता था, है ना, सेनाओं के लिए उसमें मिलिशिया शब्द यूज करते थे, है ना। बिंबिसारी एक ऐसे राजा आए, जब मगध का उदय हुआ था तो उन्होंने क्या किया, सेना का स्थायित्व प्रदान किया था, सेना को स्थायित्व प्रदान किया है, ठीक। नहीं, उससे पहले क्या था, मिलिशिया थी, है ना, और वही शब्द अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं ना, डिबेट्स चलती हैं, वो डिबेट्स देखो तो उसमें अभी भी वो शब्द क्या यूज कर रहे हैं, मिलिशिया, ठीक ना, तो वो भी देखें, हाँ, क्योंकि अच्छा है, ठीक है, वो वीडियो देखें, उसमें फ़ायदे बताए हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। चलो अपन देख लें, हाँ, हमारे एक सर थे, वो अक्सर एक ही, मतलब एक शेर सुनाते रहते थे, कोई भी अच्छा ऐसा है, स्वतंत्रता के ऊपर अगर कोई भी प्रोग्राम हुआ तो उस पर अक्सर उन सर का एक शेर आता था, है ना, क्या शेर क्या था, कि देश नहीं बनता है इट्टी गिट्टी मिट्टी चिट्टी पिट्टी से, क्या है, कि देश नहीं बनता है इट्टी गिट्टी मिट्टी चिट्टी पिट्टी से, देश तो बनता है माँ के बेटों के बलिदानों से। वास्तव में दोस्तों, हमें कुछ भी हो, योजना का विरोध हुआ, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विरोध करने का तरीका दिया गया, उस तरीके से विरोध हो, ठीक बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक है, बट अपन को तो क्या देखना है कि फ़ायदे क्या हैं, हमें कहाँ जॉब मिल रही है, ठीक, और हमेशा देश के लिए तत्पर रहें, ठीक, जब भी वैकेंसी आए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ठीक है, 4 साल देश की सेवा करेंगे तो अपना एक इतिहास में अपन भी अपना एक नाम जोड़ जाएंगे, ठीक, हाँ, ठीक है, 4 साल के लिए मिली तो क्या दिक्कत है, मगर हमेशा सीना तान के तो कह देंगे कि हाँ, हमने भी देश की सेवा की है, ठीक। चलिए, तो उस योजना में वीडियो देखें, ठीक, और जब भी उसकी वैकेंसी आए तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भरें उसका फॉर्म, ठीक, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि देश ऐसे ही थोड़ी बन गया, सभी का देश है,
चलिए देख लें इसकी पृष्ठभूमि। अपन क्या देख रहे थे, एमपीपीएससी है ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी पृष्ठभूमि देख लें, पृष्ठभूमि अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कब हुई वो देख लो क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय आयोग का गठन की बात की गई। कब की गई थी, अधिनियम कब आया, 1935 में आया। और इस अधिनियम में क्या कहा गया, प्रांतीय आयोग के गठन हो, ठीक, कि जिस प्रकार केंद्र और केंद्र चल रहा है उसके साथ ही प्रांतों में उनका एक आयोग बनाया जाए जो प्रांतों की समस्याओं का निवारण करे, ठीक ना। फिर क्या क्या है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में, क्या बोल रही है, एमपीपीएससी से पहले इसे मध्य भारत आयोग के नाम से जाना जाता था। अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले इसका नाम क्या था, ठीक, तो क्या नाम था इसका, मध्य भारत आयोग, ठीक। चलो और देखें क्या है, भोपाल तथा बिंद क्षेत्र हेतु कई कोई आयोग नहीं था। अच्छा क्या है ये, स्टार्टिंग में जब एमपी वो एमपी का विभाजन देखोगे ना, जब एमपी जी के पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग इसके पार्टीशंस थे। कब 1900, कब की बात कर रही है, 35 की, आया कब था, 35 में आया ना ये एक्ट, ठीक ना। तो एमपीपी अपना मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956, ठीक ना। तो उससे पहले अपने मध्य प्रदेश के तीन भागों में, मतलब ए बी सी ऐसी स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, भोपाल तथा बिंद क्षेत्र हेतु कोई आयोग नहीं था, ठीक। तो भोपाल और बिंद वाले क्षेत्र में अपना कोई आयोग नहीं था, ठीक। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसकी परीक्षा यूपीएससी आयोजित करता था। जब ये आयोग नहीं बना था पीएससी का, उससे पहले जो भी परीक्षाएं होती थी उसकी कौन कौन परीक्षा लेता था, यूपीएससी, ठीक। अगला क्या बोल रहा है, 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 की 3 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तथा केंद्र गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर एमपीपीएससी का गठन किया गया। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितना है, 315, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा कौन सी है, 118 की, कौन सी, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 3 में, ठीक। किस किस के द्वारा, राष्ट्रपति तथा गृह मंत्रालय की अनुशंसा के थ्रू द्वारा एमपीपीएससी का गठन किया गया, ठीक। ऐसे ही और स्टेट का भी गठन किया गया था, ठीक। चलो देख ले आगे क्या है, सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय के बारे में बात कर लें अपने मध्य प्रदेश के बारे में, तो क्या है इसका, स्थापना कब हो गई, स्थापना 1 नवंबर 1956, ठीक। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लें, है ना। चलो प्रकृति कैसी है इसकी, सांवैधानिक निकाय है। हमने स्टार्टिंग में पहला लेक्चर लिया था, उसमें हो गया था ना अपना, क्या क्या किया था, तीन प्रकार की योजना, तीन प्रकार के जिसका डिवीजन बताया था, क्या क्या था, सांवैधानिक, सांवैधिक और कार्यकारी निकाय, ठीक। चलो पीएससी का मुख्यालय कहाँ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीवी रेगे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, राजेश लाल मेहरा। चलें और आगे क्या बोल रहे हैं, ये प्रथम परीक्षा का आयोजन कब हुआ था, 1958 में, ठीक। गठन कब हो गया, 56 में, और परीक्षा का प्रथम आयोजन कब हुआ, 58, मतलब 2 साल के बाद, ठीक। चलो तो सदस्य कितनी संख्या, सदस्य संख्या कितनी रखी थी, 4 रखी थी, है ना। कौन कौन थे ये देख लो आप, नाम देख लो, क्या क्या नाम है, चंद्रशेखर, रमन सिंह, देवेन सिंह और रायकर जी, ठीक। चलो अच्छा इसका नोट और देख लो, नोट क्या बोल रहा है भाई, अभी तक कोई भी महिला
एमपीपीएससी की अध्यक्ष नहीं बनी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लो। देखिए, जैसे केंद्र में जो आयोग था, है ना, यूपीएससी के लिए, वही का वही सेम मध्य प्रदेश में भी है। उसके जो आर्टिकल्स हैं वही आर्टिकल्स अपने इसमें भी हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ठीक, चलो देखो क्या बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 315 से 323। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एमपीपीएससी का जिक्र किस भाग में किया गया है? भाग नंबर 14 में। ठीक, आर्टिकल देखो, आर्टिकल क्या 315 के एक में क्या बोल रहे हैं? राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग, 15 के 1 में। ठीक, 16 में क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा योग्यता, है ना, 16 में क्या बोल दिया? उनकी नियुक्ति और योग्यता के बारे में बताया है। साथ ही क्या कहा गया है? उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कौन? जिस भी स्टेट के राज्यपाल होंगे वो उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक, और साथ ही वो तय भी कर सकते हैं। चलो आगे देखें क्या करें। योग्यता क्या है? योग्यता आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। कम से कम कोई भी जब भी उनका सदस्य या अध्यक्ष बनेगा तो उनके पास कितना? 10 वर्ष का कहाँ कहाँ होना चाहिए? देखो, भारत या मतलब सेंट्रल में काम किया हो या कहाँ राज्य सरकार में काम किया हो, कितने वर्ष? लगभग 10 वर्ष। हाँ, या 10 वर्ष उन्होंने काम अपना कंप्लीट कर लिया हो तो उसके बाद वो अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए योग्य होंगे। आर्टिकल 316 दो में क्या बोल रहे हैं? पदावधि कितनी होगी? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक, आर्टिकल 316 तीन में क्या बोल रहे हैं? पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। ठीक, ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है, है ना, कैसा इसका वो है। दोनों दोनों को संगे पढ़ाया था, यूपीएससी और एमपीपीएससी। मतलब एमपीपीएससी क्या कहना चाहिए अपन को? कहना चाहिए स्टेट्स के बारे में, है ना। तो जो भी हर स्टेट के लिए सेम फॉर्मूला है ना, कि सेम उसी पद पे नियुक्त नहीं होंगे, या तो उससे ऊँचे वाले पद पे जाएंगे, हमेशा ऊँचे वाले पद पे जाएंगे, सेम पद पे वो नहीं रहेंगे। ठीक, या फिर अदर पीएससी अदर स्टेट के अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक, चलो आगे देख लो। आगे क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद 317 एक में क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे तथा आधार क्या होना चाहिए उनका? हाँ, मिसबिहेव, है ना, कदाचार होना चाहिए, मिसबिहेव कर रहे हैं या भ्रष्ट हैं, दिवालिया घोषित हो गए हैं, और अन्य भी कार्य कर सकते हैं, या कहीं से अन्य दूसरी जगह से लाभ तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, है ना, कई सारे वो हैं उनके। ठीक, प्रक्रिया क्या क्या बता रही है? प्रक्रिया में क्या कहा है? आर्टिकल नंबर 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। किसकी? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। और आर्टिकल कौन से के तहत? 145 के तहत। सर, आर्टिकल 317 दो में क्या है? जांच के दौरान निलंबन कौन कर सकता है? जांच चल रही है, उसके अगर निलंबन करना है तो राज्यपाल उनके लिए निलंबन कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 318 क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, सदस्य संख्या, वेतन आदि के बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 318 में। 1973
के बारे में क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें नियम के तहत राज्यपाल द्वारा। अच्छा, इसमें क्या है कि देखो 1973 में एक वो आया, तो उसमें क्या है, उसमें राज्यपाल जो भी सेवा शर्तें होंगी तो राज्यपाल अपना वो कर देंगे कि हाँ ठीक है आपके लिए ये इतने वर्ष आप ड्यूटी वो कर सकते हैं। क्योंकि 1973 में एक समिट हुई, मतलब समिट को क्या बोलेंगे आप लोग, सभी का सभी लोगों ने, मतलब जो अपनी संसद है उसने ऐसा बना के दे दिया कि आप लोग ऐसा ऐसा अगर पीएससी के लिए ये योग्यताएं रखें, है ना, ऐसे ऐसे बिहेवियर होंगे तो इन्हें हटा सकते हैं, इनकी सैलरी इतनी दी जाए, इनके बराबर दी जाए। ठीक, तो ऐसे 1973 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सेवा शर्त नियम पारित हुआ था। कब? 1973 में, और वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक, चलो इसकी धारा 3 क्या बोल रही है, किसकी? 1973 के जो एक्ट बना 1973 में, तो उसमें धारा 3 क्या बोलती है, अधिकतम संख्या कितनी होगी? 7। ठीक, इस बार के पीएससी में आया था ये क्वेश्चन, कितनी संख्या होगी? संख्या याद रखो, क्योंकि देखो संख्या में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि कई सारे आयोग पढ़ेंगे अपन तो उनकी संख्या में वेरिएशन है, तो ऐसा नहीं कि सभी में 7 है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए संख्या में को याद रखना अति महत्वपूर्ण है। चलो धारा 4 क्या बोल रही है, धारा 4 के अनुसार वेतन अध्यक्ष को राजस्व विभाग के अध्यक्ष के बराबर मिलेगी। किसकी? मध्य प्रदेश के जो भी राजस्व विभाग के अध्यक्ष होंगे उनके बराबर मध्य प्रदेश के जो एमपीपीएससी के जो चेयरमैन होंगे उनके दोनों को सैलरी इक्वल मिलेगी। ठीक, साथ ही सदस्यों को क्या सैलरी मिलेगी, जो भी राजस्व विभाग में जो सदस्य हैं उनके बराबर पीएससी के सदस्यों को वेतन दी जाएगी। ऐसा कब कहा गया था? 1973 के अधिनियम में। चलो ठीक, चलो आगे देखें, अनुच्छेद 319 19 क्या बोल रहा है, आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति नहीं होगी, जो अपन ने पहले भी देख लिया। ठीक, अनुच्छेद 320 क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य, उनके कार्य क्या है ना, यही कार्य है ना, पीएससी की परीक्षा लेना, है ना, प्रशासनिक कार्यों को सुचारित रूप से चलाना, ठीक, यही उनके कार्य है ना, भ्रष्ट आदमी है तो उनके खिलाफ वो देखना अपने अपने ही स्टाफ में, ठीक है, उनके वो उसके लिए एक उन्होंने एक कैट नाम की एक संस्था भी बनाई है। ठीक, उसके बारे में भी अपन वर्णन करेंगे अभी कुछ देर बाद। और क्या है 320 के 4 में क्या बोलना है, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को 14 दिन के भीतर विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे। ये अपन ने उसमें भी देखा था, यूपीएससी के लेक्चर में भी देखा था, कि अगर कोई भी नियम बन रहा है ना तो उसके अंदर 14 दिन के अंदर आपको संसद या जो विधान विधायिका है तो उसके पटल पे आपको रखना पड़ेगा, वो भी 14 दिन का टाइम ड्यूरेशन दिया था। अनुच्छेद 321 क्या बोल रहा है, कार्यों को विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, जो भी कार्य होंगे तो वो किसके थ्रू होंगे, राज्य विधानमंडल उन्हें तय कर सकता है। ठीक, उसमें निहित हैं। अनुच्छेद 322 क्या है, एसपीएससी के वे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, मतलब क्या होगा कि जो भी खर्चा आएगा किसका, पीएससी का,
है ना, स्टेट पीएससी के जो भी खर्चे आएंगे तो वो उसी स्टेट के संचित निधि होगी, उस पे भारित होंगे, ठीक। जो भी उनकी सैलरी मैलरी से रिलेटेड है, अन्य कई खर्चे हैं जैसे परीक्षाओं के लिए जो भी पैसा निकलता है उसके लिए भी वो कहाँ, राज्य सरकार की संचित निधि पे चले जाएंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 323 क्या बोल रहे हैं, आयोग की रिपोर्ट हर साल राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। ये हमने कहा यूपीएससी वाले लेक्चर में भी देखा था कि राष्ट्रपति कहाँ रख रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं हर कुछ में, ठीक। राष्ट्रपति कहाँ रखेंगे, संसद के पटल पे, और ये तो पता ही है कहाँ रख रहे हैं, ठीक, विधानमंडल के पटल पे। और कुछ देखो कमें, अगर कुछ लग रहा है आपको कि सर हाँ यहाँ और कुछ बताना था तो आप मुझे बता दें कि सर आप ये भी ऐड कर लें, कि कुछ पॉइंट हो आपको एक तरफ से भी आए तो अच्छा रहेगा। और अगर कहीं डाउट है तो वो भी बता दें तो वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे। और भी अगर कोई मैटर है तो उसके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे देख लें आगे क्या है इसमें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं, इन संस्थाओं के बारे में ही पढ़ लें, क्योंकि पढ़ लिख के तो आपको जब वहीं जाना ही है, अगर निकलता है आपका एग्ज़ाम्स पीएससी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको ये संस्थाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने कहा ठीक, इसको भी जोड़ दें, कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो तो इसमें क्या है, पहली कौन सी संस्था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसकी स्थापना कब हो गई, 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई थी। अच्छा देहरादून कहाँ पे है बताना, कमेंट करो कहाँ पे है बताओ जरा। दूसरे में क्या बोले, 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कर दिया गया, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है, ठीक, किसके अधीन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। इसका नाम कब बदला गया, 1987, ठीक। देहरादून कहाँ पे है कमेंट में करें, ठीक। चलो आगे देखें क्या है, दूसरी दूसरी संस्था क्या है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, ये कहाँ पे है, सागर में है, यह मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान है, इसे 1906 पुलिस स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 1936 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, कब किया गया, 1936 में। चल 1986 में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी रखा गया, कब रखा गया देख लो आप, 1986। आगे क्या है, अगली कौन सी है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये कहाँ है, किसकी ट्रेनिंग है इसमें, ये तो आपको पता होगा, कमेंट में करो जरा, हम भी देखें आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे देश का सर्वप्रथम प्रशिक्षणिक संस्थान है, इसकी स्थापना 1900 कब हुई, 1959 में, ठीक, स्थापना कब हो गई, 1959, कहाँ पे हो गई, मसूरी में, मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक। इसके वर्तमान में किसके अधीन कार्यरत है, कार्मिक मंत्रालय के अंदर, ठीक। चलो इसमें कौन जाते हैं, किसके लिए ट्रेनिंग होती है कमेंट बॉक्स में करें, ठीक। वैसे तो आप देख रहे होंगे वीडियो तो फिर समझ में आ ही गया होगा। चलो अगली देखें, अगली क्या है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी IPS है ना, ये क्या है, 1948 को माउंट आबू, कहाँ पे है माउंट आबू, राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षणिक कॉलेज की स्थापना आंतरिक आपातकाल के दौरान, इसे कहाँ शिफ्ट किया गया था, हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। चलो अच्छा, माउंट आबू के बारे में थोड़ा बताएं मुझे कमेंट बॉक्स करके, क्योंकि माउंट आबू के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, माउंट आबू क्या है? हाँ राजस्थान में है ये मान लिया मैंने, बट है क्या माउंट आबू, किसका नाम है माउंट आबू? हाँ ठीक ना, चलो बताना क्या है। और इसे स्थानांतरित कहाँ किया गया था, हैदराबाद, पहले कहाँ था, राजस्थान में। ठीक हो, अब क्या बोल रहे हैं, इसे कोहली समिति की सिफारिश पर नाम परिवर्तन कर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रखा गया। ठीक, अब वर्तमान में ये किसके अधीन कार्यरत थे, तो आपको पता होगा ही है ना, समझ गए कहाँ है, गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। ठीक, चलो माउंट आबू के बारे में कमेंट में जरूर बताना है क्या है कम माउंट आबू। चलो देखो आगे देखें, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये है JPSC, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में देख लो, क्योंकि इसका वैसे देखने को कम ही मिलती हैं आज। अब ठीक है, अब तो हर राज्य यही चाहता है कि हम अपने अपने हिसाब से देख लें। ठीक, फिर भी कहीं कहीं देखने को स्टार्टिंग में मिला था अपन को, है ना। ये क्या बोल रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 315(2) में दो या इससे अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। चलो यहाँ आर्टिकल देखो ध्यान से, 315(2) है, वहाँ 315(1) था, कौन से स्टेट के लिए, ये कौन किसके लिए, ज्वाइंट स्टेट के लिए, यानी दो स्टेट्स के लिए। ठीक, ऐसा कह सकते हैं, दो दो स्टेट या उससे अधिक स्टेटों के मिला के एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, चलो UPSC और SPSC का गठन जहाँ सीधे संविधान द्वारा किया गया है, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया गया है। ठीक, देखो समझ में तो आ गए होगा, सिंपल है ये तो, है ना, कि दो राज्यों ने कह दिया कि भाई हमारे लिए तुम बना दो यार एक आयोग हमारे लिए भी बना दो, जिससे हम भी अपने जो अधिकारी हैं उनके लिए ला सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था करिए। तो संसद ने कहा ठीक है चलो हम तुम्हारे लिए बना देंगे। तो संसद ने दोनों के आग्रह, जब तक राज्यपाल आप आग्रह नहीं करेंगे तो वो वैसे नहीं बनाते हैं ना, संसद नहीं बनाती है, जब भी बनाएगी संसद तो राज्यपाल से अपना एक बार डिस्कशन कर लेगी, है ना, पूछ लेगी कि भाई तुम्हारे लिए बना दें, तो राज्यपाल ने कह दिया ठीक भाई बना दो, तो वह बना देते हैं। ठीक, तो ये किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ था, संसद के द्वारा। ठीक, इसका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया। ठीक, इसे संसद द्वारा बनाया गया है ना, संसद को ये आज़ादी दी गई कि तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक, यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि सांवैधानिक, अपन ने पहले लेक्चर में देखा था सांवैधानिक और सांविधिक। चलो, इनकी सेवा शर्तें व सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, स्टेट में स्टेट वाले कौन कर रहे थे, राज्यपाल कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि दो स्टेट एक साथ काम कर रहे हैं, तो कौन करेंगे निर्धारण इसका, राष्ट्रपति जी कर देंगे। ठीक भाई, इतने लोग हैं आप, इतने इतने इधर इतने इतने नंबर ऑफ सदस्य इधर चले जाओ, नंबर ऑफ सदस्य इधर चले जाओ, ठीक, दोनों मिलके अब काम करो, साथ ही जो भी रिपोर्ट्स आए वो अपने अपने राज्य को सौंप दो। ठीक, चलो ये देख लें, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, देख लिया पॉइंट। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के अनुरोध राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्यों का
आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, जो भी राज्य के लिए आवश्यकता है, जो भी जरूरत है राज्य के लिए, उनके हिसाब से वो कार्य करेंगे और उसके लिए वो क्या है, उत्तरदायी हैं। ठीक, JPSC क्या कर रहे हैं, अपने कार्यों की रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट आ रही है, संबंधित राज्यों को सौंपता है, प्रत्येक राज्यपाल से राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक, चलो अब देखें क्या, स्टार्टिंग से देख लें क्या क्या है। यूपीएससी की जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसे राष्ट्रपति कहाँ करेंगे, संसद में। ठीक, स्टेट की आएंगी तो उसके लिए राज्यपाल कहाँ देंगे, अपने अपने विधानमंडलों को। JPSC की भी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके लिए वो कहाँ देंगे, JPSC के मेंबर्स अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल अपने अपने राज्य की विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ठीक, तीनों का समझ में आ गया, कहीं डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं देखूं, चैट पे देखो, चैट पे आओ, चलो देख लें। हाँ ठीक है। अच्छा, इनके लिए एक और बनाया गया था, केंद्रीय प्रशासनिक निक अधिकरण, जिसे हम कैट भी कहते हैं, जो सिर्फ उसी के लिए है। किसके लिए, जो भी जो सर्विसेज में है ना, स्टेट में हो या सेंट्रल में, स्टेट में जो भी हैं उनके लिए, उनके जैसे क्या हो गया, किसी के विवादित वो हो गए हैं, से राज्य और सेंट्रल में विवाद चल रहा है ना, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं सही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या बना दिया है, एक ऐसा कोड बना दिया है जिसे कैट कह सकते हैं, कि उनका जो फास्ट जितनी जल्दी हो सके उनका निवारण किया जाए, जहाँ भी कंट्रावर्सी होंगी दो जन में, है ना, कौन से जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों में जो भी कंट्रावर्सी होंगी उसका निवारण करने के लिए कैट जैसी संस्थाओं का स्थापना की गई। साथ ही वो कैसी निकाय थी, बहुसदस्यीय निकाय थी। ठीक है, उनको देख लेना, क्योंकि वो इतना आता नहीं है पेपर में, इसलिए मैंने ऐड भी नहीं किया। ठीक, अगर देखेंगे, ज़रूरत होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। मध्य प्रदेश के लिए भी फिर उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अलग से बना दिया है ना, मध्य प्रदेश में इसमें कहाँ बनाया था, शायद इसका मुख्यालय जबलपुर है, एक बार और देख लेना। हाँ, ज़्यादातर जबलपुर में 1 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना हो गई थी, कि किसकी, कैट के, है ना, क्या है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जो सिविल सर्विसेज वालों के लिए उसमें उनका निवारण किया जाता है, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं या उनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई कुछ भी। ठीक, चलो आगे देख। हाँ चलो, ख़त्म हो ही गया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ही लेना, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ लो। ठीक, और बताते रहना मुझे और क्या क्या पढ़ाना है। ठीक, आपको कौन से सब्जेक्ट में और किन किन टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो मैं उनकी वीडियो पहले बना लूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले ये अपन कंप्लीट कर लें, उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलो, अगला मेरा लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 5। ठीक, तो उसको भी देखना है ना, कैगा आएगा है ना, CAG ना, उसको भी देख लें। थैंक यू, चलो लाइक सब्सक्राइब और शेयर।